दोस्तों आज के वीडियो में कुछ शब्दों और वाक्यों के आउटलाइंस को बनाना हम लोग सीखेंगे। तो चलिए यहां पर देखते हैं कैसे बनेंगे ये। जैसे यहां पर लिखा है भाई बहन, जब भी हमें एक साथ लिखना हो तो भाई में देखिए यहां पर ई का चिन्ह भी होता, लेकिन उसे हटाएंगे क्योंकि बहन की आउटलाइन को इसके आगे जोड़ना था हमें, है ना। तो इस तरह एक साथ लिख पाते हैं हम लोग भाई बहन। भाई बहनों लिखना होगा, बस यहां पर एक बिंदी दे दीजिएगा, भाई बहनों हो जाएगा। भाई तथा बहन अगर हमें लिखना है, अब देखिए बीच में तथा आ गया, विभक्ति है तथा, तो हम क्या करेंगे भाई में ई के चिन्ह को दे दीजिए ताकि ये दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे से अलग हो पाए। तो ये हो गया भाई और ये बहन, तो इसे हम लोग पढ़ लेते हैं भाई तथा बहन, क्योंकि यहां पर ई के चिन्ह के माध्यम से हमने इसको अलग अलग कर दिया है ना। तो भाई बहन ऐसे लिखेंगे, भाई तथा बहन जब भी लिखना होगा तो आप इस तरह से लिख लीजिएगा। भाई तथा बहनों लिखना होगा तो यहां पर बस एक बिंदी आपको दे देना है, तो भाई तथा बहनों हो जाएगा। अब आगे देखिए एक एक वाक्यांश और होता है भाई और बहन, तो भाई बहन आप लिखेंगे बस और से यहां पर काट दीजिएगा, तो भाई और बहन हो जाएगा। और अगला वाक्यांश है हो या ना हो, है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हो का सब चिन्ह आपको पता है, या आंकड़े को ले लीजिए, हो या ना हो, ना के साथ यहां पर बड़े सर्किल को लेंगे तो ना हो जाएगा। जैसे होना का जो सब चिन्ह होता है ना, होना हम लोग लिखते हैं उसी को पलटेंगे, होना का उल्टा ना हो जाएगा, इसको हमने पलट दिया है। तो हो या ना हो, ना के बाद इसे हो पढ़ेंगे क्योंकि बड़ी सर्किल है। आगे बढ़ेंगे, ऐसे ही अगर हमें लिखना है कल हो या ना हो तो हमें कुछ करना नहीं है, हो ना हो, हो या ना हो ये आउटलाइन हमें पता ही है कैसे बनाना है, यानी इस वाक्यांश का वाक्यांश पता है, बस कल का जो सब चिन्ह होता है उसी के साथ हो या ना हो को अटैच कर देना है, और कुछ नहीं करना है। कल काला का सब चिन्ह होता है उसी के साथ हो या ना हो को अटैच हम कर देंगे। आगे देखिए लिखा है कैबिनेट, तो कैबिनेट और कैप्टन की आउटलाइन बहुत से लोग एक जैसी बनाते हैं, तो इसमें हम लोग अंतर कर लेंगे, है ना, ताकि हमें दिक्कत ना हो। जैसे कैबिनेट लिखना है तो कप की मात्रा लाइन के बीच में बनाएंगे, कै और फिर ब को बनाएंगे और ना को बनाएंगे, ब ना को जब छोटा करेंगे तो उसमें टा भी लग जाएगा, तो इस तरह से हो जाए कैबिने और छोटा होने की वजह से इसमें टा लग गया, तो कैबिनेट को इस तरह से लिख लेते हैं। कैप्टन जब भी लिखना तो लाइन के ऊपर इसे भी बनाएंगे, तो कै और प आंकड़े के साथ ट और न की रेखा को ले लेंगे, तो इस तरह से हो जाता है कैप्टन। अब देखिए यहां पर लिखा है आमंत्रण, तो आमंत्रण कैसे लिखेंगे, ये आ का डैश है और ये मां की रेखा है, तो आ के डैश के साथ मां की रेखा को जब डबल करेंगे तो इसमें तर जुड़ जाएगा, तो आ मां तर और ये ना, आमंत्रण लिखते हैं, आमंत्रण पढ़ते हैं, आ मां के में तर जुड़ गया तो आमंत्रण और ये ना, यानी आमंत्रण। अब आमंत्रित लिखना है तो क्या करेंगे, यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, आ के डैश को लेंगे, मां की साइज को डबल कर दीजिए, तो आमंत्री आमंत्री और ये तो आंकड़े को ले लीजिए, आमंत्रित लिखते हैं, आमंत्रित पढ़ते हैं, आमंत्रित तो कुछ होता नहीं है, तो इस वजह से इसको आमंत्रित पढ़ लेंगे। आगे है ठीक तरह से, ये हमारा वाक्यांश से क्या करेंगे, ठीक में जैसे हम लोग ठीक लिखते हैं ना लाइन काट के, ठीक और ये क की रेखा से ठीक हो जाता है, लेकिन क की रेखा को जब डबल कर देंगे तो इसमें तर भी जुड़ जाएगा, तो ठीक क तर तर से, ठीक तरह से यानी ठीक तरह से हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि जैसे हम लोग ये भी करते हैं कि छोटा सा ठा बनाते हैं लाइन काट करके, तो उसमें क भी जुड़ जाता है, बस उसी रेखा को डबल कर दीजिए, तो ये ठीक और इस ठीक और क हो गया, छोटा जब बनाते हैं तो ठीक और इसी साइज को जब डबल करेंगे तो तर जुड़ जाएगा, तो ठीक तरह और ये हो जाएगा से, स से ठीक तरह से। या तो आप ऐसे लिखिए ठीक तरह से, या तो आप ऐसे लिख लीजिए ठीक तरह से।